हेलो फ्रेंड्स, ट्रांजेक्शन में आपके एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं नरेंद्र आप लोग के लिए लेकर आया हूं और एक खास खबर जो कि जुड़ी हुई भैया बॉलीवुड के वर्सेटाइल एक्टर यानी कि भैया सुपर स्टार अजय देवगन की सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि भाई ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर से। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि तानाजी द अनसंग वॉरियर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 6 हफ्ते हो चुके हैं यानी कि आज इस फिल्म का आखिरी दिन है 6ठा हफ्ता का और यह फिल्म कल से 7वें हफ्ते में इन कर जाएगी। और लगातार इतने दिनों तक बॉक्स ऑफिस पर राज करने के बाद भी इस फिल्म का जो जलवा है वो कम नहीं हुआ यानी कि यह फिल्म डे बाय डे कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम करती जा रही है। अब इस फिल्म के नाम एक और बड़ा रिकॉर्ड होने वाला है यानी कि भैया ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बहुत जल्दी ही 350 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी यानी कि अब तक इस फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 347 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। अगर मैं बात करूं कि इससे पहले जो अजय देवगन की जो ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी हिट फिल्म थी वो थी गोलमाल जिसने 311 करोड़ का बिजनेस किया था, लेकिन अब अगर हम लोग बात करें तानाजी द अनसंग वॉरियर की तो यह फिल्म गोलमाल के बिजनेस से काफी आगे निकल चुकी है और बहुत जल्दी ही 350 करोड़ के आंकड़े को भी क्रॉस कर लेगी। और अगर मैं बताऊं तो भैया ये फिल्म ग्रॉस रिपोर्ट में भी वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई है अजय देवगन के लिए। अब देखने वाली बात यह है भैया कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर तो यह फिल्म 350 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी बहुत जल्दी, लेकिन क्या यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी? क्या इस फिल्म से अजय देवगन 100 का रिकॉर्ड बना पाएंगे इंडियन बॉक्स ऑफिस पर? अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और आपको क्या लगता है भैया ये फिल्म कितना आगे जाएगी ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर, यह भी अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वर्ण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।